सुबह शाम खेलना खेलना खेलना। ओहो बोल एलेक्सा बॉल दे दे, बॉल दे दे, दे दे बॉल दे दे। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? मॉर्निंग हो गई, नया दिन नया ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल मंजरिका मिश्रा, माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू USA। चलिए अभी मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगी और करके रख दूंगी। कल मैंने ये सब फ्राई करके रख दी थी। इतना मुझे ये फिश है और ये प्रॉन है, तो आज मैं फिश के साथ थोड़ा ब्रिंजल दे के करूँगी बंगाली स्टाइल में, और प्रॉन करी एज इंडियन स्टाइल। बंगाली स्टाइल में मैं देखती हूँ कि देवाशीष हमेशा बोलते हैं कि ब्रिंजल डालो फिश में, तो वही डालूँगी। तो चलिए, मैंने कभी ब्रिंजल पका के फिश करी नहीं की। मुझे लगता है ब्रिंजल पकाने से थोड़ा ब्लैक कलर हो जाता है, फिश करी हो कुछ भी हो। लेकिन मैंने खाई तो देखा कि टेस्ट अच्छा रहता है, तो मैं भी आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ। थोड़ा मस्टर्ड ऑयल में पहले ब्रिंजल को फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद उसको निकाल के जब फिश डालूंगी दैट टाइम हम लोग ब्रिंजल को डाल देंगे। अभी मैं ब्रिंजल को थोड़ा नमक हल्दी दे के उसको पहले ये कर देती हूँ। मैं ज़्यादा वेजिटेबल डाल रही हूँ क्योंकि देवाशीष राइस नहीं खाते हैं, तो ज़्यादा वेजिटेबल प्रीफर करते हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं बहुत ज़्यादा वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ। बस आप नहीं तो आप कम भी दे सकते हो ब्रिंजल। और एक प्रॉन के साथ ये पकाऊंगी, ये मेरा फेवरेट है। हर कोई सब्जी में आप डाल दो ग्रीन अनियन, मैं खा लूँगी क्योंकि उसका स्मेल भी मुझे पसंद है। और ये तो मेरा ये ब्रिंजल हो गई है, और थोड़ा नरम होने से इसको निकाल के फिर मसाला डालेंगे और फ्रीज ब्रिंजल करी रेडी। मैंने इसके अंदर थोड़ा टोमेटो भी दे दी। ये दो फिश के लिए मैं यही एक ही ग्रेवी बनाऊंगी, बस डिवाइड कर दूंगी, जल्दी भी हो जाएगी और मेरा टाइम भी बच जाएंगे। देखिए मैंने ये फिश बिल्कुल बोनलेस है, तिलापिया, और मैंने थोड़ा ग्रीन ऑनियन डाल दी। बस इसको छोटे छोटे पीस कर दूंगी। देखिए मैंने ये सब फिश कस्टोर से लाई थी। पूरे और ये ब्रिंजल को मिलाएंगे, उसके बाद पानी दे देंगे। हम लोग का हो गया। और वही मसाला से मैं कुछ निकाल के प्रॉन के ऊपर रखी हूँ। ये प्रॉन के आलू, ये प्रॉन करी के लिए। तो ये देखिए ये बेंगोली बेगुन भजा और फिश करी। और ये मेरा ही जैसे हम लोग ओडिया में भी बनाते हैं, ये कोई बेंगल स्टाइल नहीं कि ओडिया स्टाइल नहीं है, ये सिर्फ सिंपल ब्राउन करी है आलू के साथ। चलिए मैं थोड़ा गरम पाउडर गरम मसाला ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सॉल्ट दे देती हूँ। ये एक हो गई। जल्दी जल्दी करने के लिए यही एक टिप्स है, मसाला एक साथ करो, बस डिवाइड कर दो। देखने में तो सुंदर लग रही है, पता नहीं टेस्ट कैसी होगी, जब सब खाएंगे तब पता चलेगा। तो अब मैं इसको करती हूँ। इसमें तो ऑलरेडी मसाला ऊपर दे दिया। देखिए इसको इतना ज़्यादा पानी नहीं दूंगी, कम पानी दूंगी और थोड़ा कवर कर देती हूँ। ये भी हो गई है। तो लंच प्रिपरेशन रेडी।